स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था वो टॉपिक था मैक्सिमा मिनिमम। आज का जो कंसेप्ट है उसमें हम करेंगे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट रिलेटेड टू मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है जी, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन करने में, तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे सबसे पहले एक रिजल्ट आ जाता है, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी, एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया, इसके एरिया को आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले एक मैं बात बता दूं, अगर कोई भी आपके पास कोई भी ज्योमेट्री हो, जैसे यहां पर है रेक्टेंगल हो गया, पेंटागोन हो गया, कुछ भी, ठीक है, तो कोई भी पॉलीगोन हो, इसको पॉलीगोन बोल देते हैं, जिसकी साइड्स एन हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके एरिया को मैक्सिमाइज करना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है, तो आपने ऑलमोस्ट सभी जगह पे आपने उसके डायमेंशंस को इक्वल ले लेना है। डायमेंशंस को क्या ले लेना है, इक्वल। तो यहां पर डायमेंशंस क्या है, एल एंड बी। तो मैक्सिमम एरिया कब दे के जाएंगी, जब ये एल एंड बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है ना, ये स्क्वायर बन जाता है ना। तो जब भी अगर मैं ऐसे बोल देता हूं, सपोज एक मेरे पास क्या है, क्यूबोइड है ना, एक मेरे पास क्या है, क्यूबोइड है, तो इसको मैंने इसकी इसके वॉल्यूम को मैंने मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। अगर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो सिंपली डायमेंशन क्या ले लूंगा, एल बी एच, तीनों इक्वल। तो ये क्या बन गया, ये और कुछ नहीं, एक क्यूब बन गया, एक क्यूब बन गया। ये बातें जो हैं आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। फिर अगर मैं बोलूं मेरे पास सपोज एक ट्राइंगल है, उसके एरिया को मैंने मैक्सिमाइज करना है ना, विद गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन होगा, उसके एरिया को आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है, सिंपली ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी एंड सी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल देते हैं। ठीक है जी, ये बात जो है आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। कोई भी जिसमें सर्कुलर पार्ट ना आता हो, एरिया की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, सर्कुलर पार्ट ना आता हो, अगर सर्कुलर पार्ट आता है फिर उसका कुछ और फॉर्मूला है, अदरवाइज एल बी एच सभी को आपने क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। एल बी एच सभी को आपने क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। यहां पर ये बातें याद होगी। अगर अब मैं बोल दूं मेरे पास एक स्क्वायर है, एक सॉरी रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर, जिसका एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, तो इसके पेरीमीटर को मैंने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। पेरीमीटर को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है जी, जब भी आपके पास मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बेस्ड ऑन किस पे हो, ट्राइंगल हो गया है ना, क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ऐसे जो भी हैं इनके बेस पे हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली उसकी साइड्स को इक्वल ले लेना है। तो यहां पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एल इक्वल टू बी ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा, मिनिमाइज बन जाएगा। तो पेरीमीटर को मिनिमम करने के लिए दोनों साइड्स इक्वल, एल एंड बी आर इक्वल, और एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए तब भी एल एंड बी आर इक्वल। तो ऑलमोस्ट हर टाइम क्या होता है, एल एंड बी एंड एच क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, ये बात आपने माइंड में रखनी है, इसके अकॉर्डिंग ही आपने पेपर में कंसेप्ट करना है। ठीक है जी, चलें आगे। अब देखो, अगर मैं बोल दूं मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, और उसमें मैं मेरे पास एक सर्कल है उसमें मैं क्या बनाना चाहता हूं, मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूं जो मैक्सिमाइज एरिया कवर करे, तो सिंपली क्या करूंगा, एल एंड बी इक्वल कर दूंगा, दैट इज वो और कुछ नहीं, एक स्क्वायर बनेगी। ठीक है जी, सेम मेरे पास एक सर्कल है, उसमें मैं ट्राइंगल बनाना चाहता हूं,
मैक्सिमाइज ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ, सेम बात ए बी सी तीनों साइड्स को क्या ले लूँ, इक्वल ले लूँ, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये बात जो है आपके माइंड में बैठ गई होगी। यहाँ पर भी मैं सर्कुलर पोर्शन, अगर आपको पता हो सर्कुलर पोर्शन की मैंने बात नहीं की, मैंने सिर्फ रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज की बात की है, वो अलग बात है, सर्कल में बना हुआ है। सेम चीज यहां पर भी मैंने ट्राइंगल के एरिया की बात की है, मैंने सर्कल के बारे में बात नहीं की। तो ये जो है मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑल साइड्स आर इक्वल के बेस पे क्वेश्चन था। अब देखो एक और बात सुनो, अगर सपोज मेरे पास एक कोन है, ठीक है, और उस कोन में क्या है, मेरे पास एल गिवन है, एल मीन्स टू से स्लैंट हाइट, इस हाइट को बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस लाइन को 5 सेंटीमीटर को मैं यहां पर भी शिफ्ट कर दूं तब भी कोन ही बनेगा, बनेगा कोन, बट उसके वॉल्यूम में फर्क पड़ जाता है। तो यहां पर ये बात याद रखनी है, ये देखना एक लाइन होती है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है और ये है वर्टेक्स ऑफ कोन, इसमें से पास करने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल। ये बात याद होगी। अब अगर मेरे पास स्लैंट हाइट गिवन हो, स्लैंट हाइट कुछ 5 6 7 गिवन बोल दे, और बोल दे वॉल्यूम को क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो एंगल क्या रहेगा? तो एंगल ऑलवेज टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 2 रहेगा। ये बात आपने माइंड में बिठा लेनी है। मतलब एल को, एल अगर स्लैंट हाइट गिवन है, कुछ भी गिवन है, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब आएगा? जब थीटा टेन इनवर्स रूट 2 के इक्वल होगा। ये बात आपने माइंड में रख लेनी है। ठीक है जी, कंटिन्यू करें आगे। चलो जी आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले मैं एक और रिजल्ट बताता हूँ, वो रिजल्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में एक क्वेश्चन उसके बेस पे आएगा ही आएगा। और मैं एक बात बता दूं, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से लेक्चर छोटे रहेंगे भाई, बट आएंगे ज़्यादा। ठीक है, मतलब लेक्चर होपफुली 20 मिनट्स का या 30 मिनट्स तक ही रहेगा, बट हाँ नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं पहले एक 1 आवर प्लस का लेक्चर डाल देता था, तो 1 आवर में अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2 लेक्चर बन जाएंगे, है ना, तो लेक्चर की नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो जाएंगे, बट हाँ लेक्चर की लेंथ जो है, टाइमिंग जो है वो कम हो जाएगी। कंसेप्ट जो है जितना मैंने करवाना है एक दिन में उतना ही आएगा। ठीक है जी, जितना टाइम पॉसिबल है शॉर्ट में, मतलब डिवाइड कर करके टाइम ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो कंटिन्यू करते हैं। अगर कंटिन्यू करें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हाँ तो एक रिजल्ट, दो रिजल्ट हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट, उनको मैं लीव नहीं कर सकता कैसे भी करके। अगर आपने भी लीव कर दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा पेपर में। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है मेरे पास एक स्फीयर है और उसमें मैंने एक सिलेंडर बिठाना है। ये मैंने एक सिलेंडर बिठा दिया, ये बन गया एक सिलेंडर, ये एक मैंने सिलेंडर बिठा दिया किसमें, स्फीयर में। ठीक है जी, और सेम स्फीयर एक और है उसमें मैंने कोन बिठाना है। तो ये मैंने कोन बिठा दिया है, ये वाला मेरा कोन बैठ गया, ये कोन बैठ गया। ठीक है जी, अब कोन में क्या होता है, कोन में और सिलेंडर में दोनों में क्या होता है, एक रेडियस होता है, ठीक है जी, और एक हाइट होती है। ठीक है जी, ये एक हाइट है और एक कैपिटल आर होगा रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा कैपिटल आर। सेम चीज यहां पर होती है, वर्टेक्स से यहां पर एक परपेंडिकुलर होता है उसको हम हाइट बोलते हैं, और एक रेडियस होता है, ये सेंटर से यहां तक एक रेडियस होता है उसको स्मॉल आर बोलते हैं, और एक सेंटर से यहां तक एक डिस्टेंस होता है जिसको हम रेडियस ऑफ स्फीयर बोल देते हैं। दोबारा से
ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया, ठीक है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ स्फीयर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये थोड़ी बात आप माइंड में रख लेना, ठीक है जी। कैपिटल आर, ये कैपिटल आर हो जाता है। चलो जी, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये एच है। अब यहां पर एक रिलेशन होता है इस सिलेंडर को मैक्सिमाइज करने का, मैक्सिमाइज कब होगा, मतलब वॉल्यूम इसका मैक्सिमाइज कब होगा, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है जी, मिनिमाइज नहीं, मैक्सिमाइज। इसको भी, इस कोण को मैक्सिमाइज करना है, तो क्या उसमें मतलब क्या रेशियो रहनी चाहिए, आर, कैपिटल आर एंड एच में क्या रिलेशन रहना चाहिए, वो है मैक्सिमाइज। चलो जी, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर देखना, सबसे पहले स्मॉल आर, देन कैपिटल आर, देन एच। फॉर्मेशन अगर ध्यान से देखें, सबसे छोटा आर है, चेक कर लो, आर की जो लेंथ है सबसे छोटी है, फिर कैपिटल आर तो है ही बड़ा, है ना, हाइपोटेनियस के जैसे बिहेव कर रहा है, तो फिर एच जो है वो तो पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो एच सबसे बड़ा है। इसका स्क्वायर कर देंगे, यहां पर इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे, डिवाइड में 2 3 4 लगा देंगे, ये इसका रिलेशन बन जाता है। सेम चीज यहां पर बनाते हैं, आर, कैपिटल आर एंड एच इक्वल टू, इक्वल टू, यहां पर स्क्वायर नहीं आएगा, कोण में स्क्वायर नहीं आएगा, दूसरे में स्क्वायर आएगा, याद करने का मेथड 2 3 4, यहां पर जस्ट ये याद रखना, यहां पर स्क्वायर रूट 2 साथ में आता है, बस इतना है फॉर्मूला। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, सिलेंडर है ना, सिलेंडर, चलो जी, ई आर पीछे आ रहा है, और स्क्वायर में भी ऐसा कुछ आता है, स्क्वायर है ना, जैसे आप स्क्वायर बोलते हो, आर ई आर पीछे आ रहा है ना, ई आर या आर ई पीछे आ रहा है, तो जिन दोनों में आ रहा है वो दोनों में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है जी, स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर स्क्वायर नहीं है, कोण में ऐसा कुछ नहीं है, कोण में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहां पर स्क्वायर नहीं आ रहा, बस ये ध्यान रखना है, ये स्क्वायर रूट दोनों एक साथ करवाए हैं, मुझे ये था आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, तो याद रखने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बनाया है, सिलेंडर में क्या होता है, ई आर, तो यहां पर आर ही ई है, स्क्वायर में, तो यहां पर स्क्वायर आएगा, ठीक है जी, ये स्क्वायर आना है, यहां पर नहीं आना, ठीक है, दोनों में, दोनों फॉर्मूले याद कर लो। पेपर में आपसे कोई, हो सकता है आपसे आर एंड कैपिटल आर की रेशो पूछ ली जाए, हो सकता है आर एंड एच की रेशो पूछ ली जाए, हो सकता है इसमें आर एंड एच की पूछ ली जाए, और कैपिटल आर एंड एच कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहां पर अगर आर की वैल्यू मुझे निकालनी है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 2 देन कैपिटल आर, स्क्वायर रूट 3 देन कैपिटल स्मॉल एच, स्क्वायर रूट 4, है ना, जस्ट स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ये याद रख लेना, ठीक है जी। पेपर में आते हैं क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके रिलेटेड। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वाले फॉर्मूले नहीं आते तो ये जरूर याद कर लेना, पेपर में हेल्पफुल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कहते द एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, गिवन है एज 100, 100 पेरीमीटर गिवन है, एनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया, एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, कुछ भी करना हो आपने एल इक्वल टू बी लेके आना है। एल इक्वल टू बी का मतलब क्या है, डायमेंशन दोनों इक्वल होंगी, यहां पर डायमेंशन आंसर में क्या दे रखी है, 10 एंड 40 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल नहीं है तो ये ऑप्शन में नहीं आएगा, फिर 20 एंड 30 दोनों इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, 25 एंड 25 ऑप्शन में है तो ये ट्रू है, फिर 15 एंड 35 ये भी ऑप्शन दोनों इक्वल नहीं है तो ये लीव कर दिया। पेपर में क्वेश्चन करोगे ऐसे टाइम जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान रख लेना क्वेश्चन कैसे करना है। द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर मतलब कैपिटल आर,
ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। यहां पर सॉरी, रेडियस ऑफ सिलेंडर है तो स्मॉल आर, रेडियस ऑफ स्फीयर है तो कैपिटल आर, वहां पर दे ही रखा है ना कैपिटल आर। और आपने क्या बताना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर बताना है, आर की वैल्यू बतानी है, कैपिटल आर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और ये क्या है, स्फीयर है जिसमें सिलेंडर बना हुआ है, तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सिलेंडर पीछे आर ही आ रहा है तो स्क्वायर वाला आएगा, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 3 एंड 4, सही है जी, 2, 3 एंड 4। अब आर एंड कैपिटल आर के बीच में रिलेशन दिखाना है तो ये आना चाहिए। फिर आगे बात करूं तो यहां पर देखना आर की वैल्यू क्या बन रही है, आर अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये थोड़ा मैं सही करके लिख देता हूं, आर अपॉन स्क्वायर रूट 2 एंड कैपिटल आर अपॉन स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। स्मॉल आर, स्मॉल आर का मतलब है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है तो ये रूट 2 उधर चला गया, रूट 3 डिवाइड में कैपिटल आर, ये मेरे पास आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है जी। अगर बाय चांस वो इन दोनों में रिलेशन दे देते, अगर बाय चांस इन दोनों में रिलेशन पूछ लेते तो हमने इन दोनों के बीच में बता देना था। चलें आगे जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ हाइट, रेशो ऑफ हाइट, हाइट की बात हो रही है, ऑफ कौन हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर, स्फीयर में बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कौन बना हुआ है, तो आर कैपिटल आर एंड एच इक्वल इक्वल डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, यहां पर स्क्वायर रूट 2 आता है। किसकी बात की गई है, द रेशो हाइट विद द डायामीटर ऑफ स्फीयर, मतलब रेशो किसकी बतानी है, एच डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल आर, ठीक है, इसकी बतानी है। इट मीन्स इन दोनों में रिलेशन की बात हो रही है, तो एच अपॉन आर की बात चल रही है, एच अपॉन आर का हाफ करना है, एच अपॉन आर यहां से आ जाएगा, आर को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं 4 को ऊपर, 4 बाय 3 इक्वल टू एच अपॉन कैपिटल आर, सही है जी। अब आगे देखें, हाफ करना है दोनों साइड तो हाफ करेंगे, हाफ करेंगे, ये मेरे पास रेशियो आ गई, और ये कटिंग करने पे 2 आ गया, 2 बाय 3 आ गया, 2 बाय 3 आ गया, ये ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रही है, ठीक है जी, हो जाएगा, समझ आ रही है या नहीं। चलो जी आगे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने से पहले मैं टाइमिंग जरूर देखूंगा, थोड़े छोटे लेक्चर होंगे, कोई टेक्निकल एरर है, लेक्चर ना बीच में कट हो जाता है, पता नहीं क्यों, शायद कोई प्रॉब्लम है तो पता नहीं, ट्राई कर रहा हूँ बट मैंने 2 बार ट्राई, 2-3 बार ट्राई करके देख लिया, 1-1 घंटा मेरा वेस्ट हो गया, मतलब लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब के लिए एक बार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।